मार, पर वो नहीं मरा, गरम तेल में डाल दिया गया। अंत में उनको वो पथमूस टापू में भेज दिया गया। और ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत था प्रियो, कि वो अपने परमेश्वर अपनी बातों को, भविष्य में होने वाली बातों को लिख करके कलीसिया को भेजे। तो प्रियो हम क्या करना है, हमें यही कहना है कि हमें दूसरी मृत्यु से बचना है। और हम बच तब सकते हैं जबकि हम परमेश्वर के कहना माने, और हमें शहीद ही होना है। भाई ये कहने में कोई हिचकती नहीं प्रियो, कि आपको सताया जाएगा, आपके घर के लोग सताएंगे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका पति आपको सताएगा प्रियो। यीशु का नाम मत लो, यीशु का नाम मत लो, हमारा ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। प्रियो हम अपने प्राणों की हानि को सबर कर सकते हैं, परंतु आत्मा की हानि को सबर नहीं कर सकते। तो प्रियो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती, मुझे मौका मिला कि मैं दूसरी मृत्यु के बारे में आपको जो कुछ मुझे मालूम था हर संभव मैंने कोशिश की। फिर आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्यारे आसमानी बाप तुझे धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। मैं तो बड़ी परेशान और पेशोपेश में थी कि क्या मैं सारी बातों को सिलसिलेवार कह सकूंगी, पुराने नियम को भी और नए नियम को भी दोनों को मिला करके वो सारी बातों को स्पष्टता से मैं लोगों को बता पाऊंगी। पर तूने मुझे जो भी दिया वो प्रकाशन, उस प्रकाशन को मैंने मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को और लोगों को मैंने पेश किया पिता। हालेलुया। और न्याय के दिन ये ना कहने पाए कि ये वचन कहाँ था, हम तो कभी सुने नहीं, वो दिन याद रखिए कि आज जो वचन बताया गया है वो वचन ये हवा में हमेशा के लिए वो एविडेंस रहेगा कि आपको भिलाई की पुष्पा ने ये सब चेतावनी दी थी और हमने उसका पालन नहीं किया। तो इस प्रकार प्रथम मृत्यु के तो अवश्य है, वो होना ही है, परंतु दूसरी मृत्यु से हम बच सकते हैं प्रियो। हम कितने पुराने शहीदों को देखें और अभी के जो यीशु मसीह के आने के बाद जो शिष्य लोग हैं और जो प्रभु के साथ सेवा किए और यीशु का नाम नहीं लेना, यहूदियों ने बहुत सताया, पर तो फिर भी यहूदी और अन्य जाति के लोग भी अब आ गए हैं और सब एक हो गए हैं कि वो यीशु को माने। वही मेमना है जो हमारे न्याय करने आने वाला है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा रहे, बस यही चाहते हैं। आज सब जितने सुनने वाले हैं सिस्टर जॉय को तू आशीष दे, इतना लंबा उन्होंने वो जीवन बिताया कि आपकी सेवा के लिए पिता, उन्हें और आशीष दे। 40 साल सेवा करना कोई आसान बात नहीं है, मैं तो उनको नमन करना चाहूँगी। हालांकि ओ प्यारे यीशु, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु अब जब जानना शुरू किया तो हम उनसे प्यार करने लगे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे सारे जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं सबको आशीर्वाद दीजिए। सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।